सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? पर कंफर्म करेंगे? यस सर। कंफर्म करेंगे सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग है, इससे क्वेश्चन आने के काफी चांस है आपके बच्चों, ठीक है। चैप्टर नेम इज थर्मल फिजिक्स। सॉलिड में सॉलिड या फिर आप बोल सकते हो इलास्टिसिटी चैप्टर था, उसमें हमने एक सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज होगा अभी सबको मेरी आवाज आ रही है, पर कंफर्म करेंगे मैंने किया। अच्छा आप बीच बीच में आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, अदरवाइज मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा बच्चों। यस सर। ठीक है चलिए, आई थिंक अब आपको सबको मेरी आवाज साफ आ रही होगी। ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो अपना स्ट्रेस का थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या गया? सो यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी। सो वाई क्या बच्चों? यंग्स मॉडुलस अल्फा क्या है? इट्स ए लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? चलिए नाउ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए स्टील रॉड व्हेन इट इज हीटेड थ्रू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10 एज पर एक्स वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। सर जब आपने पीछे वाला बताया था आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, एक बार दोबारा बता। मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट मैं कंफर्म कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों देखो टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है। स्ट्रेस क्या हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। और स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। मान लो अगर कोई अपना मान लो ऐसे कोई मेटालिक रोड है, अगर आपने उसको बच्चों जो टेम्परेचर चेंज कर दिया बाय डेल्टा टी से, अब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट प्रॉब्लम क्या बच्चों, ये ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। सो नई लेंथ कितनी हो जाएगी? एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा
डेल्टा टी, ये हो जाएगी. तो चेंज इन लेंथ हमने क्या था, दैट विल बी एल नॉट इनटू अल्फा डेल्टा टी. बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनली अपने को ये मिल जाएगा. ठीक है, तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी. ठीक है, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. हाँ जी, देखो कैसे करेंगे इसको. अपने को निकालना थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है. इट इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी. एक्स मॉडुलस कितना है, 2 × 10^11 इनटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10^-6. डेल्टा टी कितना, चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री, 100 × 10^5, 10^7. आंसर इज सी. ठीक है बच्चों, यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर. चलिए आगे चलते फिर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम. बच्चों अगर आप सबको याद हो, हमने टाइम पीरियड ऑफ टाइम पेंडुलम का फॉर्मूला पढ़ा था, 2π√ लेंथ डिवाइड बाय जी इफेक्टिव, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा. ठीक है, अब सोचो अगर मान लो कोई मेटेलिक रोड है, मान लो इट्स मेटेलिक रोड, देन सोचो अगर मान लो आपने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया डेल्टा टी, तो बच्चों इसकी जो लेंथ है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वो भी बढ़ जाएगी. अगर मान लो बच्चों लेंथ चेंज होगी तो अपना टाइम पीरियड भी चेंज होगा. तो बच्चों अगर इनिशियल टाइम पीरियड अपना ये था, ये अपनी अगर फर्स्ट इक्वेशन है, तो बच्चों नई इक्वेशन क्या जाएगी, ये आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, अपनी ये लेंथ हो जाएगी. तो एल नॉट इंटू 1 + में डेल्टा थीटा, मतलब ये आप इसको डेल्टा टी भी लिख सकते हो. ठीक है, सो टी बाय टी नॉट हम करेंगे, टी डिवाइड बाय टी नॉट विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 + में अल्फा डेल्टा टी. अब याद करो ये क्या, इट्स बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + अल्फा डेल्टा, डेल्टा टी रेस्ट फॉर 1/2, 1 + में 1/2 अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, अगर आपने को चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, टी माइनस टी नॉट दोनों तरफ माइनस वन कर दो, इसको इधर ले आओ, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट विच विल बी इक्वल टू 1/2 α/δt. यानी कि बच्चों चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई ओरल टेम्परेचर विल बी 1/2 α/δt, ये हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से आप परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हो टाइम पीरियड में, आया क्या समझ में? यस सर. पक्का? चलिए नाउ अब सोचो बच्चों, अगर मान लो आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है, मान लो वो जो नेगेटिव है, मतलब क्या है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? अब सोचो अगर चेंज इन टेम्परेचर क्या बच्चों, अगर नेगेटिव है, तो डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा नॉट विल बी इक्वल टू 1/2 α/δt. अगर ये बच्चों नेगेटिव है, इट मीन्स डेल्टा टी बाई टी नोट क्या है, ये भी नेगेटिव है, इट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल टाइम पीरियड ये क्या है, नेगेटिव है. इसका मतलब बच्चों कि फाइनल टाइम पीरियड क्या अपना, तो बच्चों अपनी जो क्लॉक है वो क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी. क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी. अगर मान लो अपनी पेंडुलम है, उसका जो ये नीचे वाला जो पेंडुलम है, अगर ये इसको ऐसे स्विंग करने में, मान लो बच्चों
दो सेकंड का टाइम लग रहा है, मान लो एक सेकंड इधर, वन सेकंड, और मान लो वन सेकंड इधर। अब बच्चों का जल्दी कर देगी, अगर मान लो 6 बजे है, इनकेस बच्चों रियल टाइम इज, रियल टाइम इज 6, मान लो 6 PM मान लो, ठीक है। अब फास्ट चलने की वजह से बच्चों क्या करेगी, शो टाइम क्या होगा बच्चों, ये इससे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि फास्ट चल रही है ना, तो जल्दी जल्दी टाइम शो करेगी, इट विल बी 6 मान लो 05 PM एक्चुअल टाइम ये है बच्चों। लेकिन यानी कि बच्चों अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारी जो पेंडुलम बच्चों क्या, वो फास्ट रन करेगी, हमारी क्लॉक क्या बच्चों, फास्ट रन करेगी, ठीक है, एंड गेन टाइम। आया समझ में? यस सर। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर मान लो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बच्चों, अगर टेम्परेचर पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी क्या बच्चों अपना पॉजिटिव है, तो देयरफॉर फाइनल टाइम इज ग्रेटर देन इनिशियल टाइम। सो बच्चों अब हमारी घड़ी क्या हो जाएगी, स्लोअर, स्लो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो रियल टाइम क्या है, रियल टाइम इज 6 PM, ठीक है, तो बच्चों शो टाइम क्या हो जाएगा, इट विल बी 5:55 PM। अब क्या धीरे धीरे चल रही है बच्चों, क्या हो रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर, सब क्लियर है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इफ पेंडुलम क्लॉक मेड ऑफ आयरन पेंडुलम इज कैलिब्रेटेड फॉर टी नॉट दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड लॉस इन टाइम इन सेकंड बाय दिस क्लॉक ओवर वन एंटायर डे एट व्हेन टेम्परेचर इज टी इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ जी बच्चों, कैसे करें इस क्वेश्चन को, बच्चों पहले आप टी डेल्टा टी बाय टी नॉट निकालो, पहले देखो कितना आएगा, कितना आ रहा है आंसर, बच्चों एक दिन के लिए कितना होगा, देखो ना फॉर्मूला क्या है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी बच्चे कहाँ पे,
अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। आज बाकी बच्चे कहाँ हैं? आज कितने बच्चे एब्सेंट आ रहे हैं? सर आज ना ग्रुप पे लिंक नहीं भेजा था। तो अभी भेज दिया फिर? अभी सबको लिंक दे दिया क्या? नो सर अभी ग्रुप पे नहीं भेजा, ये तो वो पहले वाला ही था ना तो उससे। हाँ रुको मैं ठीक। अब देखो लिंक आया क्या? यस सर। चलिए बच्चों ओके अब देखो क्या है। सो डेल्टा टी ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं चेंज इन वो ले देता हूँ। So change in time divided by original time will be equal to half alpha delta theta. ठीक है, ये theta one है फिर theta two है। So half alpha, alpha कितना बचो? 10^-5 into change in theta कितना है? 20 degree centigrade। देखो कितना आ जाएगा 10^-4। So ratio of change in time period divided by original time period is equal to 10^-4। ये बच्चों क्या है? ये आएगा सेकंड में। किसमें आएगा बच्चों? सेकंड। ठीक है, अब सोचो ये एक सेकंड में इतना डिफरेंस आ रहा है बच्चों, एक सेकंड में। तो अगर हम टोटल डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा टी तो रेशियो आई है ना, ये हो जाएगा 10^-4 इंटू टाइम पीरियड। यानी कि हमें एक दिन में निकालना है तो 24 घंटे में कितने सेकंड होंगी? 24 × 3600। ठीक है, अब बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? सी आगे बच्चों फाइनली 8.64 सेकंड, आंसर इज ए। आया क्या बच्चों समझ में? यस सर। ठीक है आगे चले। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब बच्चों वाटर क्या करता है ना, इसकी जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बच्चों। अब होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फ्रॉम 0 degree टू, इफ यू विल इंक्रीज टेम्परेचर वाटर फ्रॉम 0 degree टू 4 degree। ठीक है, सो यहाँ पे अगर वॉल्यूम 1 था, यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम 2 है। ठीक है, होता क्या बच्चों, वॉल्यूम 2 इज लेस देन वॉल्यूम 1। इट्स एनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए वॉटर का, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नाउ व्हेन टेम्परेचर ऑफ वॉटर इज ग्रेटर देन 4 degree, मान लो यहाँ पे अगर वॉल्यूम V3 बच्चों, देन V3 विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन V1। बच्चों 4 degree centigrade के बाद वॉटर का जो वॉल्यूम है वो बच्चों इंक्रीज ही करता है। यानी कि अगर हम पूछे सबसे कम वॉल्यूम अपना क्या बोलते हैं ये वाटर का कब होता है, ये होता है बच्चों 4 degree centigrade पे। अब बच्चों अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। ये थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वाटर की। ठीक है, यस सर। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो क्या होगा, शुरू में देखो क्या है, जब अपने जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या बच्चों हम इंक्रीज कर रहे हैं, बट शुरू में देखो क्या वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग इनिशियली,
चार डिग्री से डिक्रीज किया वॉल्यूम, फिर क्या हुआ जो फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी मिनिमम, सो डेंसिटी क्या होगी बच्चों मैक्सिमम, डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। आया समझ में? यस सर। ठीक है चलिए, अब बच्चों ये टॉपिक इसमें क्या है कि कई बार आपने सुना होगा कि सर्दियों में ना बर्फ जम जाती है, आप सब ने सुना होगा सर्दियों में बर्फ जम जाती है, जितनी भी झील होती हैं पानी वानी होता है सबका सारा जम जाता है। लेकिन बच्चों क्या है जो ग्राउंड जो बिल्कुल नीचे है, जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन बच्चों, वहां पे ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों इस पे मेंटेन रहता है हमेशा, बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर हो। ठीक है, इसलिए बच्चों सर्दी कुछ भी हो चाहे अंटार्कटिका एरिया हो, ठीक है वहां भी आपको पता ही है वहां भी ये जितने भी सी एनिमल वगैरह सब होते हैं वहां पे, ठीक है। चलिए बच्चों ये अपना जो पार्ट था बच्चों इट्स ऑल अबाउट थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है बॉयंट फोर्स वाला, ये कवर करने के बाद आई थिंक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री। बच्चों देखो ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है बॉयंट फोर्स, क्यों बच्चों मुझे एक चीज बताओ, हमने बॉयंट फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी, पढ़ा था आप सबने ये? यस सर। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो लिक्विड है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में, मतलब उसकी डेंसिटी में, ठीक है। और हम डेंसिटी के बारे में देख भी चुके हैं, और बच्चों अगर जो वॉल्यूम है अपना जो सब्सटेंस जो ऑब्जेक्ट है तो उसके उसमें भी चेंज आएगा, तो बच्चों बात यह कि बॉइंट फोर्स में चेंज कितना आएगा, व्हाट विल इज द बॉइंट फोर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं अगर आपसे पूछूंगा सीधा सीधा कि लेट्स सपोज इनिशियली बॉइंट फोर्स कितना है, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, आपने टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया, उसके बाद बच्चों अपना बॉइंट फोर्स क्या हो गया, ठीक है ये हो जाएगा बच्चों चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा सो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू वन प्लस में गामा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक इंटू डेल्टा टी इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो इनिशियली थी, ठीक है डिवाइड बाय वन प्लस में गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन किस किस को याद है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी बच्चों डेंसिटी के बारे में, याद करो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही थी, रो नॉट इंटू यहाँ पे मैं रो नॉट लिख देता हूँ लिक्विड, रो नॉट इंटू याद करो बच्चों हमने बाइनोमियल एक्सपेंड किया था इसको, रो नॉट इंटू वन माइनस अल्फा डेल्टा टी सॉरी गामा, वॉल्यूम चेंज आएगा ना, ये हमने क्या था लास्ट टाइम याद है बच्चों ये? Yes. ठीक है अब देखो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो फाइनली देखो अपने क्या होगा, सो हम इसको लिख सकते हैं एफ बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू में वन प्लस गामा ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस गामा ऑफ द लिक्विड इन बाय ये हो जाएगा। तो बच्चों ये इक्वेशन किस किस को समझ आई, ये आएगा बच्चों चेंज इन बॉइंट फोर्स, सॉरी नॉट चेंज इट विल बी द फाइनल बॉइंट फोर्स। मैं फिर से आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, मान लो कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, ठीक है अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बच्चों तो अपने जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक्सपेंड करेगा, उसका भी नया वॉल्यूम होगा और अपने जो लिक्विड है बच्चों उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा,
बट अपने को लिक्विड की वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता, अपने को फर्क पड़ता है उसकी डेंसिटी से। तो डेंसिटी क्या बच्चों, डेंसिटी की इक्वेशन ये है, तो फाइनली फिर ये इक्वेशन आ जाएगी, फिर इनटू में डेल्टा टी भी आएगा ना रुको रुको। ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज ए पीस ऑफ मेटल फ्लोट्स ऑन एचजी, ठीक है, आपने ये मर्करी देखा है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मेटल एंड एचजी आर रो वन एंड रो टू रिस्पेक्टिवली। इफ टेम्परेचर ऑफ द ऑफ बोथ एचजी एंड मेटल आर इंक्रीज बाय एन अमाउंट डेल्टा टी, फाइंड व्हाट फैक्टर द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल सबमर्ज इन मर्करी चेंजेस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कैसे करेंगे बच्चों इसको? देखो बच्चों मैं आपको हिंट कर देता हूँ, ठीक है, इसमें आपको क्या करना बच्चों, इन्होंने पूछा कि फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन में डिफाइन करना ज्यादा सही रहेगा। देखो क्या करना है, मान लो अपने ऐसे को लिक्विड है, ठीक है, इसको सरफेस। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने इसमें हमने ऐसे सॉलिड डाल दिया, मान लो बच्चों इसका जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका टोटल वॉल्यूम कितना, मान लो V नॉट है, ठीक है बच्चों, टोटल वॉल्यूम इज V नॉट। और हमने क्या मान लिया बच्चों कि राइट नाउ जो इसका जो जितना फ्रैक्शन है जो इसके अंदर पानी के अंदर डूबा हुआ है वो क्या बच्चों, दैट इज F नॉट इंटू V नॉट, ठीक है, हमने एफ नोट के टर्म में बात कर ली, ठीक है। तो यानी कि बच्चों जो पोर्शन बाहर है उसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस एफ नोट इंटू वी नोट हो जाएगी। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों, आया क्या समझ में ये? यस सर। बाकी बच्चे जल्दी आंसर दो। समझो भाई अपने को, अगर देखो अगर मैं बॉइंट फोर्स लिखूं कि शुरू में बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इनटू में कितना वॉल्यूम अंदर है। अगर टोटल वॉल्यूम वी नॉट है तो अंदर वॉल्यूम कितना है, एफ नॉट इनटू वी नॉट, और इनटू में जी, इनटू में जी,
ठीक है। अब बच्चों ये बैलेंस किसको कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है एमजी को, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मान लो हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया डेल्टा टी से, तो बच्चों नई इक्वेशन क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू नया बॉइंट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू, हमने इक्वेशन अभी निकाली थी, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, क्या जाएगा, B नॉट इंटू वन प्लस में अल्फा, सॉरी नॉट अल्फा, गामा वन डेल्टा टी डिवाइड बाय वन प्लस में गामा टू डेल्टा टी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा चेंज क्या है, चेंज बच्चों ये है कि वेट, हमने अभी छोटी सी मिस्टेक कर दी है, आप इसको ऐसे लिखो भाई, यहाँ पे बॉइंट फोर्स होगा कितना, यहाँ पे कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जो नया फ्रैक्शन है इनटू वी नॉट इनटू में जी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ। देखो बच्चों पहले क्या था, पहले सिचुएशन ये थी अपनी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो बच्चों टोटल वॉल्यूम है मेटल का, वो मान लो वी नोट है, ठीक है। और कितना डूबा हुआ है मरकरी के अंदर, हमने मान लिया फ्रैक्शन की टर्म में, फ्रैक्शन की टर्म में कितना फ्रैक्शन है, अगर मान लो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो दिस डिवाइड बाय दिस, ये बच्चों ये है फ्रैक्शन, ये अपने एफ नोट है, ठीक है। सो एफ नोट इंटू वी नोट वाले, तो जो वॉल्यूम डूबा नहीं हुआ उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, वन माइनस एफ नोट इंटू वी नोट। ये बात किस चीज को समझ आई, यस सर, ठीक है। अब बच्चों अगर मान लो आपने गर्म कर दिया, आपने अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया, ठीक है, अब नई इक्वेशन क्या जाएगी, मैं आप लिख देता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ ये वाली इक्वेशन, कि बॉइंट फोर्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है, सॉरी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, इनटू में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू में जी। तो वो तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, रो नॉट, मान लो ये रो नॉट था, ठीक है, डिवाइड बाय वन प्लस में गामा टू डेल्टा टी, ये इक्वेशन आएगी इंटू में। बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, ये वी नॉट इंटू में वन प्लस में अल्फा, सॉरी नॉट अल्फा, बार बार अल्फा ले रहा हूँ, गामा डेल्टा टी, ठीक है। और वेट वेट, हमें वॉल्यूम लिखना फ्रैक्शन में, ये बच्चों एफ इंटू वी नॉट नया फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू में जी। और ये किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी फोर्स को, एमजी फोर्स का बैलेंस कर रहा है ना। अब आया समझ में बच्चों, अब दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर दो बस, तो इक्वल पुट करोगे तो क्या होगा, रो नोट कट जाएगा, वी नोट कट जाएगा, जी कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, वो जाएगा क्या, एफ डिवाइड बाय एफ नॉट, विच इज इक्वल टू वन प्लस में गामा एल डेल्टा टी, सॉरी गामा टू डेल्टा टी डिवाइड बाय वन प्लस में गामा डेल्टा टी, ये अपना आ जाएगा, इसको समझ आया, ठीक है। अब अपने को निकालना बच्चों फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन में चेंज होगा, सो एफ माइनस एफ नोट निकाल दो, वन माइनस कर दो दोनों तरफ, माइनस कर दो वन माइनस वन माइनस वन, तो कितना आएगा देखो, गामा डेल्टा टी माइनस गामा वन डेल्टा टी डिवाइड बाय वन प्लस गामा वन डेल्टा टी, आंसर आ जाएगा फाइव टू माइनस फाइव वन,
तो डिवाइड बाय क्या है एफ नॉट, ठीक बच्चों? तो आप चेक करना क्या आंसर आएगा अपना, यहां तक किस किस को समझ आया? आई नो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा सा आई नो, ठीक है। आई थिंक इसका कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आई थिंक चलिए आगे चले आप बच्चों, इस क्वेश्चन को आप प्लीज फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। कहने का मतलब क्या बच्चों, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांस इतना नहीं है, लेकिन हाँ अपने डेंसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट फोर्स पे बच्चों वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं, क्योंकि आपको उस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज बेंडिंग ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों ये है, सोचो अगर मान लो दो स्ट्रिप है, आपने ऐसे कर दिया बच्चों, ऐसे स्ट्रिप है दो, आप इनको गर्म करोगे, आप इनको गर्म करोगे बच्चों, और मान लो ये जो बाहर वाली स्ट्रिप है अगर ये ज्यादा एक्सपेंड होगी बच्चों, बाहर वाली स्ट्रिप अगर ज्यादा एक्सपेंड होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे इनकी शेप कैसे आ जाएगी, इनकी शेप बच्चों ऐसे आ जाएगी, ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, मान लो अगर इन्होंने एक्सपेंड कर दिया, तो मैं इसको अलग से यहां पे बना रहा हूं, देखो थोड़ा ध्यान से समझना एक बार, मान लो अपनी स्ट्रिप ऐसे है, और ये बाद में ऐसे बैंड हो गए, ठीक है, अब इसका रेडियस कितना होगा, इनका क्या बचा ऐसे सर, ठीक है, कितनी है बच्चों ये, एक मिनट रुको, देखो अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना रेडियस, मान लो यहां तक अपना जो रेडियस बच्चों मान लो वो है कैपिटल आर, यहां तक इनके जो यहां पे सेक्शन तक, ठीक है, और इन दोनों विड्थ बच्चों मान लो टोटल 2D है, 2D, ठीक है। अब अगर ये लेंथ L1 है और ये लेंथ बच्चों अगर L2 है, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L0 इंटू 1 प्लस में अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 विल बी L0 इंटू 1 प्लस में अल्फा 2 डेल्टा टी, दोनों बच्चों डिफरेंट डिफरेंट मेटल है तो दोनों का जो लीनियर कोएफिशिएंट है कितना होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब बच्चों मुझे चाहिए था, अगर ये रेडियस है, ठीक है, तो ब्लू वाले के रेडियस कितना हो जाएगा, ब्लू वाले के लिए आर प्लस में डी हो जाएगा, तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, सो आर्क डिवाइड बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, आर्क कितना है L1 डिवाइड बाई रेडियस, यानी कि आर प्लस में डी, ठीक है। दूसरा इसके लिए बात करूं, सेम थीटा होगा, L2 डिवाइड बाई आर माइनस डी, ये बात किस किस को समझ आई, आया समझ बच्चों यहां से, बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, ठीक है, हाँ जी। तो देखो क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा L1 बाय L2 विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, L1 बाय L2 विल बी इक्वल टू L1 बाय L2
आर प्लस डी डिवाइड बाय आर माइनस डी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आर प्लस डी एंड आर माइनस डी की वैल्यू कितनी है, एलवन की वैल्यू कितनी है, वन प्लस अल्फा, याद है कि वन प्लस में अल्फा वन डेल्टा टी डिवाइड वन प्लस में अल्फा टू डेल्टा टी। अब बच्चों यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अपने को लगाना होता है, अपना फिर आंसर आ जाएगा। किस किस को पता कॉम्पोनेंट और डिविडेंड के बारे में, किसी को नहीं पता क्या? Yes, sir. पता है सबको? अच्छा किसको नहीं पता? मेरे को। चलो कोई बात, देखो अभी साल से बच्चों इसमें होता क्या है, मैं इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक बार नीचे वाले को क्या कर दो, ऐड कर दो, और ये नीचे वाले को माइनस, ऊपर वाले को माइनस कर दो, ऐसे होता ना, कैसे होता है कौन बताएगा मुझे? सर न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर प्लस कर देते हैं, न्यूमरेटर में ही एक बार डिनोमिनेटर माइनस कर देते हैं। अच्छा स्मार्ट बच्चे अपने, बिल्कुल माइनस आर नहीं, दोबारा रिपीट करना क्या करते हैं सर? न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को पहले ऐड कर देते हैं और फिर न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं। लेकिन वो नीचे लिखते हैं ना? यस सर। आर प्लस में डी माइनस आर प्लस डी, बहुत बढ़िया आ गए, ठीक है। अब देखो सोल्व करना, अब हो जाएगा, ठीक है। फाइनल अपनी इक्वेशन ये आएगी, ठीक है बच्चों। ऐसा कोई बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इक्वेशन, पर हाँ आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। Yes. चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों होमवर्क है। क्वेश्चन इज ए बायमेटालिक स्ट्रिप इज फॉर्म्ड आउट ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रिप्स, वन ऑफ कॉपर एंड सेकंड ऑफ ब्रास। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द टू मेटल्स आर अल्फा सी एंड अल्फा बी। ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिप गोज अप बाय डेल्टा टी एंड द स्ट्रिप बेंड्स टू फॉर्म एन आर्क ऑफ रेडियस आर, देन आर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है। आई थिंक आप कर भी लोगे, अगर आपने इसका देख लिया होगा ना फॉर्मूला तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है कुछ आगे चले क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखो अब इसमें होता क्या बच्चों, अगर मान लो अगर आपने किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को अगर आपने वो बच्चों डेल्टा टी से हमने चेंज किया है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट मींस एस दैट इज इक्वल टू हीट गिवन डिवाइड बाय मास डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने किसी एक सेकंड, आपने किसी ऑब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर मास को आपने कितनी हीट दी और उसका बच्चों चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। बच्चों ध्यान क्या रखना है, आप जो डेल्टा टी बच्चों एक एक केल्विन भी हो सकता है और ये डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। बच्चों आई थिंक ये टॉपिक आप सबने पहले पढ़ रखा है, इसलिए आपको मैं इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन? आया समझ में बच्चों यहाँ तक? यस सर। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट गिवन टू ए सब्सटेंस ऑफ मास m, ओके, एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट मास विल बी डेल्टा टी, ठीक है। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने वाटर की कितनी होती है बच्चों, 4200 जूल पर केजी, और इसको हम लिखते हैं 1 कैलोरी ग्राम पर, ये देखो ये ज्यादा सुटेबल है 1 कैलोरी, और ध्यान रखना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर कितनी होती है बच्चों, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आइस की कितनी होती है, 0.5 कैलोरी
पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये बच्चों अपनी क्या है, ये अपनी एसआई यूनिट है, तो ये क्या बच्चों अपनी सीजीएस है, तो इसको हम सीजीएस में ज्यादा यूज करते हैं, मतलब कैलोरी हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बॉइल 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। आप इसको ऐसे याद रखो, ये थोड़ा ज्यादा से याद रहेगा, ठीक है। मास कितना है, 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम वेट पे ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना बच्चों, हमने अभी देखा था 1 कैलोरी पर ग्राम था ना, 1 कैलोरी, चेंज इन टेम्परेचर 20, कितना आ जाएगा, सुन अपने को निकालना कि बॉइल, ठीक है ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर होगा बच्चों 80 होगा, 80 सेंटीग्रेड। आंसर कितना है बच्चों, ए। किस किस को बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया? यस सर, ठीक है। नाउ बच्चों अगर बात हम करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, अगर आप कुछ इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे Q और चेंज इन टेम्परेचर में, सो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, हमने अभी देखा था इट्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बच्चों ग्राफ कैसा होगा, देखो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और बच्चों ये M क्या है, एम एस, ये क्या हो जाएगा, स्लोप, इट विल बी स्लोप। सो डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा T, इट विल बी एम एस, और एम एस का आगे हम नाम देंगे क्या, आगे इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, ठीक है। आया समझे बच्चों? यस सर, ठीक है। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, आप आगे अपनी मोलर हीट कैपेसिटी, सो डी क्यू विल बी एन सी डी टी, और वी कैन सी क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा, वो था ना क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, सेम बच्चों ये है, ठीक है। इट्स ए मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। यस सर, चलिए नाउ बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या है, हीट कैपेसिटी। अब बच्चों हमने क्या किया, हमने कुछ भी अलग नहीं किया है, ये जो इक्वेशन थे ना एम इंटू एस डेल्टा टी, हमने इसको बच्चों क्या कर दिया, इसको हमने हीट कैपेसिटी का नाम दे दिया, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये छोटा एस है, इसको हमने नाम दे दिया बच्चों हीट कैपेसिटी, ठीक है। क्यू इक्वल टू एस डेल्टा टी, सो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एस किसके बराबर होगा बच्चों, हीट डिवाइड बाय डेल्टा, हीट कैपेसिटी किसके बराबर, मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, एम क्या मास, एस क्या स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ इट्स मटेरियल, यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, जूल पर केजी, यहां तक किस किस को समझ आया? यस सर, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, व्हेन 300 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू 25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ए मटेरियल, इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 25 डिग्री टू 45 डिग्री, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। अब बच्चों ध्यान क्या रखना, आपको ध्यान ये रखना है कि जो टर्म्स है ना, थर्मल कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है।
सो थर्मल कैपेसिटी यानी कि मास इनटू एस स्मॉल एस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि स्मॉल एस ऑफ द मटेरियल आर गिवन बाय. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. बच्चों तो सीधे सीधा क्वेश्चन है, क्या निकालना है अपने को निकालना है. Q इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लिखो ना, एमएचसीएल चार्टिंग. Q कितना है 300 जूल, ठीक है सबको जूल में ना, तो अपने को फिर मास भी किस में लेना पड़ेगा, केजी में. S निकालना है, डेल्टा टी कितना बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर 20. बच्चों चेंज इन टेम्परेचर आप उसमें मत रहना, ठीक है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा. तो एस किसके बराबर आएगा, 300 डिवाइड बाय कितना हो गया 0.5, क्या जाएगा 600 जूल डिग्री सेंटीग्रेड. ये आंसर आ जाएगा. अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या, ये देखो आपको क्या निकाला, हमने पहले निकाला बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने निकाला है. अब हम निकालेंगे कैपिटल एस, एस इंटू एम. एस क्या बेतो, एस हमने जो निकाला अभी कितना है 600 इंटू में मास कितना है, मास कितना बच्चों 25 ग्राम. बस आ गया अपने, देखो ये आंसर आ गया. कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको फिर भी कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आपको टर्म्स अच्छे से याद नहीं है तो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि बच्चों अगर मान लो बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को हमने मतलब कुछ हीट दी, उसका मास m था, स्पेसिफिक कैपेसिटी ये थी और ये था, ठीक है ये था बच्चों, ऐसे कुछ था. ये मान लो कोई अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों. हमने सेम हीट दी वाटर के कुछ मास को, सॉरी वाटर के कुछ मास को हमने सेम हीट दी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कुछ, और चेंज इन टेम्परेचर भी सेम था बच्चों. अगर ऐसा कुछ हो तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. और हीट कैपेसिटी क्या होता है, एस ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एम ऑब्जेक्ट एस ऑब्जेक्ट. सिमिलरली हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, मास ऑफ वाटर इंटू हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. दोनों इक्वल पुट कर दो, एम नॉट एस नॉट विल इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू. हमें निकाला गया मास ऑफ वाटर, इट विल बी एम नॉट एस नॉट डिवाइड बाय एस डब्ल्यू. बच्चों बहुत बार क्या करते हैं, वो आपको डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, वो क्या करेंगे आपको मतलब वाटर इक्विवेलेंट दे देंगे. आपको भी ध्यान रखना बच्चों, म्यूट रखो प्लीज. ठीक है बच्चों, फंडा ये है बच्चों कि हमने सेम हीट दी किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है उसका कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एस नॉट इंटू डेल्टा टी. हमने सेम हीट दी बच्चों वाटर को भी. अब हमें ये चेक करना है कि अगर सेम टेम्परेचर इंक्रीज हो बच्चों तो वाटर का मास कितना होगा, फिर उसको बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट. So it is the amount of water which requires the same amount of heat or the same temperature rise as that of the object. किस किस को समझ आएंगे? Yes. ठीक है? चलिए. एक छोटा सा क्वेश्चन. तो म्यूट रखो प्लीज. जानवी बेटा क्या कर रहे हो? So question is the amount of heat required to raise the temperature of a body from 20 degree centigrade to 60 degree centigrade is,
एंड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी इज 10 ग्राम. चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी ठीक है. बाकी बच्चे चलिए आंसर किसने दिया सर ऑप्शन सी? सर वर्षा. अच्छा बहुत अच्छा. देखो भाई क्वेश्चन क्या है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. भाई हमें सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. दिक्कत क्या है, इन्होंने क्या करा था बच्चों, इन्होंने द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है एंड वाटर इक्विवेलेंट रखा है. तो एक काम करो ना बच्चों, हीट वाटर के लिए निकाल लो, वो उसी के लिए निकल जाएगी. Mw m कितना है? 10 ग्राम है. 10 ग्राम SW कितना बच्चों? कितना होता है 1 कैलोरी. चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 40 आ गया ना, 40 कैलोरी. अगला ट्राई करो. बोलो बच्चों. इस बार बच्चों थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस बार इन्होंने कंटेनर में डाल रखा है बच्चों, कंटेनर में डाल रखा है ठीक है. तो बच्चों कंटेनर की वो भी हीट होगा ना, कंटेनर भी हीट होगा. आ रही मेरी बात समझ में भाई? अगर आपने को सिर्फ पानी को उबालना है तो पानी को उबालो कितना आएगा? 10 ग्राम इंटू में क्या है चेंज इन टेम्परेचर. देखो ये ऐसे कुछ है, मान लो इसके अंदर पानी है, अपने को पानी गर्म करना है तो इसके लिए हीट कितनी है? Q1 इज इक्वल टू ms डेल्टा टी. पानी कितना है? 10 ग्राम है. s 1 है, डेल्टा टी कितना है? 10 है, यानी कि 100 कैलोरी. लेकिन बच्चों जो कंटेनर है ये भी कुछ ना कुछ हीट लेगा, इसके उन्होंने वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है ठीक है. इसके लिए निकालो फिर Q2 इक्वल टू ms डेल्टा टी. ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो Mw sw डेल्टा टी, ये वही आ जाएगा. बट तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी? Q1 प्लस Q2 यानी कि 200 कैलोरी. बच्चों क्वेश्चन समझो, इसमें क्या है, कंटेनर के अंदर डाल रखा है बच्चों, तो आप अगर हीट दोगे तो सारी हीट उसको नहीं मिल रही, पानी को कुछ हीट किसको मिल रही है बच्चों? कंटेनर को भी मिल रही है. आ रही मेरी बात समझ में? यस सर. चलो बच्चे यहां तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
चलिए बच्चों फिर आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन, ठीक है, बाकी हम शाम वाले सेशन में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोई मिलते हैं।